So, let us start for today. इसको खत्म करें आज काफी सारी चीजें हमने आगे लेके चलनी है तो बच्चों कल वाली चीजों में से तो कोई सवाल नहीं है अगर है तो पूछ लीजिएगा अब मैं शुरू करता हूँ एज अ होल थोरेसिक वॉल जो हमने कल देखी है लास्ट लेक्चर में उसकी ब्लड सप्लाई और उसकी नर्व सप्लाई इंटरकोस्टल नर्व और आर्ट चीज कैसे होती है कहाँ से आती हैं उनका ऑरिजन पूछा जाता है सो विदाउट वेस्टिंग मैं आप लोगों को यहीं से दिखाता हूँ देखें जो इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं उसके बारे में पहली बात एक याद रखिएगा आर टू इंटरकोस्टल आर्टरीज वन इज एंटीरियर वन इज पोस्टीरियर वन इज एंटीरियर द अदर इज पोस्टीरियर इफ आई ट्राई टू शो यू दिस फिगर यू कैन परसीव वेरी क्लियरली वेरी क्लियरली यू कैन सी देखें अगर आप यहाँ पे देखें आई विल ट्राई टू शो यू यू कैन सी वन

मैं अगर देखता हूं जस्ट अ सेकंड इफ आई हैव अ गुड फिगर ऑन दिस सॉफ्टवेयर मैं इंटरकोस्टल आर्टरीज आई गेस सर्कुलेटरी सिस्टम में दर्दी भी होंगी आई होप सो अगर नहीं भी हैं सो इट डज नॉट मैटर आई विल शो यू इन द एटलस आई गेस नो उन्होंने नहीं दी हुई वेन्स दी हुई वेन्स को हम इधर से देख लेंगे और हार्ट को हम इधर से देख लेंगे उधर से हम वापस उसी पे चलते हैं ठहरे अब आप लोगों को मैं बताता हूं इंटरकोस्टल आर्टरीज आर टू इन नंबर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ठीक है एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी इट इज वन एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज कोई मुझे बता सकता है कि ये कहाँ से आती हैं? कैन ऑफ यू टेल मी फ्रॉम वेयर डू दे देखें एक्सले, ट्रंक नो 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 फर्स्ट पार्ट ऑफ सब वेन देखें फर्स्ट पार्ट ऑफ सब वेन फर्स्ट पार्ट ऑफ सब वेन से एक आर्टी निकलती थी जिसका नाम था इंटरनल थोरेसिक फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी सॉरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी से एक और, आर्टरी ओरिजिनेट करती थी जिसका नाम था इंटरनल थोरेसिक जिसको हम दूसरा नाम देते थे इंटरनल मेमोरी का भी याद आया इंटरनल थोरेसिक या इंटरनल मेमोरी और ये वही है लीमा लीटा जिसका मैंने आपको कार्डिक सर्जरी का भी इसका इंपॉर्टेंस बताई थी तो ये आर्टरी होती है इंटरनल थ्रेसिक आर्टरी रिमेम्बर ये देखिए मेरी बात सुने यहाँ से यू नीचे डिसेंड करती है बिहाइंड द फर्स्ट सिक्स टू सेवन इंटरकोस्टल स्पेसेस कोस्टल कार्टिलेज के पीछे ये रन करती है इन द थॉरिक्स इन द थॉरिक्स इट डिसेंड्स डाउन इन द थॉरिक्स इट डिसेंड्स डाउन बिहाइंड

इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जैसे जैसे नीचे जा रही है इसने एक एक ब्रांच देती गई जो कि एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी कंसिडर होगी ठीक है और जो चीज याद देखने वाली है कि यहां पे आके ये बाइफर्केट कर गई है बिहाइंड द सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेज

in the first six spaces, in the first six intercostal spaces. Then it bifurcates, it bifurcates into two. Into two. Your medial branch. Hai, medial is superior epigastric. Kaun si?

एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्ट्रीज इन द लोअर फाइव इंटरकोस्टल स्पेसिस समझ आ गई बात सो आई गेस इट इज क्लियर तो ये पॉइंट आगे अब इसके अंदर मैं दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये देखिएगा इफ यू कैन सी हेयर इट इज वेरी क्लियर इट इज ऑब्वियस कि यहां से देखें जी ये इंटरकोस्टल आर्ट्री नीचे आई पहले सिक्स स्पेसिस में ब्रांचेस दी

Uh, इस फिगर में भी देख लें जो हमने अभी पहले शुरू किया शुरू करते हुए मैंने दिखाया था ये जो आर्टी जा रही है ये जो पीछे स्पेस में जा रही है दिस इज दोस्टल आर्टी कहाँ से राइज हो रही है ये जस्ट रीड आउट द लेबल जस्ट रीड आउट द लेबल थोरेसिक एटा हाँ हाँ यू पीपल डो नॉट रीड इट आउट इवन है नवाब एम आई शो ये देखिए

मैंने आप लोगों को एक ट्रंक बताया था जिसका नाम क्या था कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक डू यू रिमेम्बर दैट ट्रंक इन सबक्लेवियन आर्टरी यस हाँ जी शाबाश वो क्या करता था सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से अरराइज हाँ, करता वेरी गुड सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से अरराइज करता था उसकी एक ही एक ब्रांच थी देखें फर्स्ट टू आराइज फ्रॉम एक आर्ट्री थी जिसके मैंने दो तीन नाम बताए थे आपको हाइस्ट हाइस्ट इंटरकोस्टल आर्टरी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी इसके तीन नाम है सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ अ ब्रांच ऑफ कॉस्टोसरवाइकल ट्रंक Coming from which is a branch? In fact, of of second part. of the second part of subclavian artery. So actually, this artery first two spaces. This is very simple. And the lower nine spaces, i.e., third intercostal space to eleventh intercostal space, the lower nine arise directly from the thoracic aorta. It is very simple. Directly from the थोरेसिक एओटा एओटा वो जो थोरेक्स में डिसेंट कर रहा है उससे राइज कर जाती हैं, रिमेनिंग अब ये भी मैं आपको अगेन दोबारा दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए नाउ जस्ट लुक हियर ओहो सॉरी 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 ये देखें ये कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक से आई एक पहले स्पेस की ये दूसरे स्पेस की ये ऊपर से आई बाकी जो स्पेसिस की हैं डायरेक्टली एओटा से निकल रही हैं और ये देखें ये जा रही हैं अंदर ये एओटा से ब्रांचेस निकल रही हैं और ये इंटरकोशल स्पेसिस में रन कर रही हैं सो आई गेस इट इज वेरी 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 सिंपल ठीक है आगे चलूं क्योंकि वेन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लाइक द आर्ट्रीज द वेन्स आर ऑल्सो इन अपेयर द वेन्स आर ऑल्सो इन अपेयर

Do ask. देखें आप पूछते हैं तो अच्छा लगता है पूछा करें ना इसीलिए मैंने नहीं दिखाई थी पहले क्योंकि तो पूछे तो सही ये अब अगर आप नोटिस करें तो इस आर्टरी के साथ एक ब्लू कलर की वेन भी आपको जाती हुई नजर आ रही है हर जगह ये देखें ये कौन सी वेन है उसका लेबल क्या किया उसे वॉट इज द

Can anyone of you tell me, जिसने कुछ पढ़ा हुआ हो जिसने कुछ पढ़ा हुआ हो वो मुझे कुछ बता सकता है तो मैं आपको बताता हूँ राइट और लेफ्ट साइड की क्या है डिफरेंट है और दूसरी बात कैन यू सी माई विडियो सी माई विडियो नॉट गेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया

वाली होगी, वो डायरेक्टली डायरेक्टलीफलिक में चली जाएगी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये देखें ये मैं आपको ना लेबल करके दिखाता हूं किसी एक कलर से ब्लैक इस पर नजर आएगा ग्रीन ब्लैक से कर देते हैं ब्लैक से कर देते हैं ये देखें ये है सेकेंड दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ है दे

मैं अगर इसको मैं कोशिश करके बना भी दूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा ये जो है ये चार एक ये यूं पीछे से आ रही है इसके यूं एक ये वाली और एक ये वाली ये तीनों की तीनों इसमें मिल रही हैं जो कि यूं आ रही है और ये जा रही है इसमें ठीक इस हो गया अब जो रिमेनिंग लोअर कितनी बन गई फोर सेवन लोअर सेवन जो है लोअर सेवन ड्रेन डायरेक्टली इन टू दिचवेन ये कौन सी है नजर आ रहा है आप लोगों को हाईलाइट हो रहा है लोअर सेवन डायरेक्टली एज वेन सिंगल है लेफ्ट right नहीं है ठीक right हो गया सो so लोअर अब ये क्योंकि डायफ्राम पीछे को नीचे को जा रहा है तो सिर्फ फोर नजर आ रही है इस फिगर में हमें बाकी नजर नहीं आ रही सो डो नॉट वरी लोअर सेवन की सेवन एज में खुलती है एंड इवन रिमेंबर

ठीक। uh, बेटे। अब लेफ्ट पे। लेफ्ट पे first same. लेफ्ट की first उसकी कहां खुली थी राइट वाली राइट ब्रेकियो सैफलिक में खुली थी लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट ब्रेकियो सैफलिक में चली जाएगी यानी कि अगर मैं इसको राइट साइड पे बना भी दू ना तो ये यहाँ पे ये पड़ी हुई है कहीं पे ये 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 वाली, पे ये पे कहीं पे पड़ी और ये पीछे से और ये में खुल जाएगी में. ये फर्स्ट है. फिर उसके बाद इसके अंदर चार सेट्स है एक अलग है फिर अगली तीन अलग है फिर अगली चार अलग है फिर अगली चार अलग है बट डो नॉट वरी ये देखें इसको भी हम ब्लैक में कर देते हैं जो लिखिएगा सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑफ द लेफ्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट पोस्टीरियर ये देखें एक ये हो गई एक ये हो गई और एक ये हो गई ये किसमें जा रही है कैन यू सी द लेबल सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये किसमें जा रही है लेफ्ट सुपीरियर वो जाती थी राइट सुपीरियर इंटरकोशल में और राइट सुपीरियर इंटरकोशल ड्रेन होती थी एजाइगस में अलबत्ता लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल ड्रेन होती है किसमें बोलिए ये कौन सी है ब्रेक्यो सैफिलिक में लेफ्ट ब्रेक्यो सैफलिक में वो ड्रेन होती थी एजाइगस में ये वाली ड्रेन हो जाती है लेफ्ट ब्रेक्यो सैफ्लिक में ठीक होगी क्लियर शुड आई मूव शुड आई मूव ये सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रेन कहां पे हो रही है लेफ्ट ब्रेक में जस्ट सी द ब्लैक लाइंस ये देखो बेटा मैंने डाली है ना आप इधर देखें ये सेकंड है ये थर्ड है सर आपने तो ये फोर्थ है ऑफ द लेफ्ट साइड ये किस में जा रही है लेफ्ट सुपीरियर में नहीं होगी सर वो आपने वो हाईलाइट किया मैंने इसीलिए पूछ रहा हूं लेफ्ट सुपीरियर इंटर में गई जो के फिर आगे चली गई किस में जहां पे मेरा डॉट है कौन सी है ये लेफ्ट ब्रेक में राइट right साइड की सुपीरियर इंटरकोशल वेन ड्रेन करती थी एजाइगस में लेफ्ट साइड की सुपीरियर इंटरकोशल वेन ड्रेन कर रही है सबक्लेवियन वेन में लेफ्ट सबक्लेवियन में ये डिफरेंस है ना क्योंकि ये देखिए ना ये राइट right वाली साइड का यू नीचे आ गया एजाइगस में लेफ्ट वाली साइड का ऊपर चला गया ब्रेक में अब क्लियर हो गया फर्स्ट जो है वो करेगी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में राइट फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट इज सेम लेफ्ट दो ठीक है वो ब्रेक में है। और लेफ्ट का सेकंड थर्ड फोर्थ बता दें दोबारा लेफ्ट का सेकंड थर्ड फोर्थ पहले जाएगा लेफ्ट सुपीरियर कॉस्टल में जो के जाएगी लेफ्ट ब्रेक सैफ्लिक में ठीक है अब मजे की बात अब एक मजे की बात जो कि अब मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं जो लेफ्ट साइड का फिफ्थ सिक्स सेवंथ और एट्थ आइडियली इस बुक में एक कम बनी हुई है लेकिन जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उन्होंने एथ तक लिखा है फिफ्थ तो सिक्स में बना लेते हैं देखें जी फिफ्थ सेवंथ एंड एट्थ भी आइडियली यहाँ पे एक वेन में जाती है जिस वेन का क्या नाम है ये देखें ये क्या नाम है जिसको मैं ब्लैक में लेबल कर रेड में लेबल कर रहा हूं इसका क्या नाम लिखा हुआ है पढ़िए नो, 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 है में। है और ये जो इसोफेगस है ना इसोफेगस के के पीछे से ये यूं करके करके ड्रेन कर जाती है कनेक्शन थ्रू किधर गई है इस जाएगस। जाएगस में। जाएगस में जो के राइट साइड पे है तो लेफ्ट पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स एट्थ असेसरी है जाइगस में जो कि कनेक्शन के, के थ्रू चली जाएगी जाइगस में और फिर पीछे क्या बच गया ऑब्वियसली नाइन टेंथ एंड इलेवंथ नाइन टेंथ इलेवंथ एंड द लेफ्ट सब कॉस्टल वेन दे ड्रेन इनटू टू द हम एक और कलर ले लें दे ड्रेन इनटू टू दैमी एजाइगस ये हैमी एजाइगस है नहीं ये नजर नहीं आ रहा कलर We'll take a brighter one. ये 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 कौन सी वे जी नाइन टेंनेक्शन होता है जो कि पीछे से चला जाता है किसमेंगसवीन तो नाइन टेंब कोस्टल वेन ऑफ द लेफ्ट साइड दे ड्रेन इन दाइगस वेन

सुपीरियर कोसल वेन के थ्रू लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन में फिर लेफ्ट साइड की 5 6 7 एंड 8 सही है मींस आई गेस इनटू द एजिगस एंड लेफ्ट साइड की लोअर 3 यानी कि 9 10 11 प्लस द लेफ्ट सबकॉस्टल वेन इनटू द हैमियस आईगस वेन एंड देन टू द एजिगस जो कि ग्रीन में ठीक हो गया आई गेस इट इज इजी नाउ टू डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फोटो ऑफ दिस फिगर और मैं अब इसको आप लोगों को एक और तरीके से दिखाना चाहता हूं जिसके लिए मैंने वो सॉफ्टवेयर एक परचेज किया हुआ है ये देखें जी कैन यू सी दिस फिगर दिस लुक्स लाइक अ मेस दिस लुक्स लाइक अ मेस बट इट्स नॉट ये देखें मैं अब आपको दिखाता हूं अगर आप मेरा इसका कर्सर इसके ऊपर थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा Zoom in करता हूं बिकॉज़ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड अगर देखें ये आ रही है

सेकेंड थर्ड फोर्थ ये जो पड़ी हुई है ना ये राइट सुपीरियंटर कॉस्टल है उसके थ्रू जा रही है एज आइग में फिफ्थ सिक्स सेवंथ एथ नाइन टेंथ इलेवंथ एंड सब कॉस्टल वो डायरेक्टली किसमें चली गई एजाइगस में समझ आई बात की एंड येट अगेन ऑन द लेफ्ट साइड ये देखें बड़ा जबरदस्त पहली वाली पहली वाली, वाली बेटा चली गई ब्रेक में सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चली गई सुपीरियर लेफ्ट सुपीरियडर कॉस्टल वेन के थ्रू और ये देखें फिफ्थ, ये आ है ये कुछ कुछ में में तक लिखा हुआ, 5, 6, 7, कुछ में to लिखा हुआ, हुआ. लेकिन में 5 to 8 लिखा हुआ तो है लेते हैं जो लोअर वाली थ्री टू फोर स्पेस की है वो किसमें जा रही है, है में में, और ये दोनों यहाँ से के के और के पीछे से जाती हुई खुल जाएंगी एजाइगस के साथ अंदर ये देखें ये कनेक्शन नजर आ रहे हैं एक ये आ रहा है हुआ है ठीक हो गया चलू आगे थैंक यू अब आ जाए नर्वस पे द इंटरकोस्टल नर्व ये आर अगेन वेरी सिंपल द इंटरकोस्टल नर्व अ फॉर्म्ड बाय जुमला लिखिएगा द इंटरकोस्टल नर्व अ फॉर्म बाय द वेंट्रल रिमा

एक फिगर था लेकिन मैंने उसको दिखाया नहीं आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये ये देखो ये बहुत प्यारा फिगर है इसी के अंदर हम नर्व को इधर ही पूरा कर देंगे देखिए अगर यहां पे आप देखें इंटरकोशल राइट right पे बनी हुई है लेफ्ट पे नहीं बनी हुई ये ये वेंट्रल रेम है और ये जो पीछे जा रहा है ना मैं इसको लेबल करता हूँ ब्लैक कलर में जो ब्लैक कलर में मैं लेबल कर रहा हूँ ना वो डॉर्सल रेमस है जो आगे जा रहा है येलो में ही जो आगे जाएगा ये डॉर्सल रेमस और ये देखो दो ब्रांचेस में डिवाइड कर गया ये कौन सा है ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है डॉर्सल ठीक है डॉर्सल रेमस ये देखें इसको हम यहां से भी हाईलाइट कर देते हैं और डॉर्सल रेमस की ये कौन सी दो ब्रांचेस है मीडियल ब्रांच एंड लैटरल ब्रांच ये छोटी सी नर्व होती है जो कि इस एरिया को सप्लाई करती है डॉर्सल रेमस जो कि मीडियल और लैटरल ब्रांचेस में डिवाइड होती है इसके बाद जो मैं ब्लू में कर देता हूं वो ब्लू में हम कर देते हैं किसको वेंट्रल रेमस को अब ये जो वेंट्रल रेमस है ये इंटरकोस्टल स्पेस में रन करा और ये आगे आना शुरू हो गया और ये कौन कौन सी मसल के दरमियान में आया ओहो सॉरी इंटरनल इंटरकोस्टल एंड इनर इंटर मोस्ट इंटरकोस्टल के दरमियान में यू रन करता रहा और ये आगे आके खत्म हो जाएगा यू पूरा आगे आके ठीक है इसकी ब्रांचेज इंपॉर्टेंट है इंटरकोस्टल नर्व की दो तीन ब्रांचे अब मैं अब आप लोगों को एक दो बातें मजीद बताना चाहता हूँ जो कि मैंने कल नहीं बताई थी जो अभी तक नहीं बताई इसको मैं थोड़ा सा लेबल कर लू देन आई विल बी टेलिंग यू अ फ्यू थिंग्स एक तो बेटा बात याद रखना कि देर इज अ अलैट्रल आर्टरी अ वेन एंड अ नर्व ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटरकोस्टल स्पेस क्या मैंने बोला देर इज ऑल्सो अलैट्रल वेन

ये फर्स्ट में कोई भी रेब है ये फोर्थ है ये फिफ्थ है कोई भी रेब है और इसके दरमियान में जो स्पेस है वो क्या है बोलिए कौन सा स्पेस होना चाहिए इंटरकोस्टल 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 स्पेस 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 और बाहर वाली मसल कौन सी थी जी एक्सटर्नल इन इंटरकॉस्ट और एक्सटर्नल आप इनर से आउटसाइड बोलते हैं ओके फिर बाहर से अंदर दूसरी आ गई इंटरनल और ये जो स्पेस है यहां पे आ इनर मोशन इंटरकोस्टल ये तीन स्पेस तीन मसल्स बन गई ठीक है बट इट डने बस इसी तरह अब इसके अंदर इंटरकोस्टल स्पेस में तीन चीजें रन कर रही थी वेन का कलर स्टैंडर्डली क्या होता है ब्लू तो सबसे ऊपर है हमारे पास ब्लू कलर मी सेलेक्ट सबसे ऊपर क्या है इंटरकोस्टल वेन बड़ी सारी लेकिन मजे की बात ये एक छोटी सी कौन सी कौन सी वेन मैंने बोली है कोलैटरल वेन नीचे भी है फिर आ जाती है वेन के नीचे आर्टरी जो कि होगी इंटरकोस्टल आर्टरी उनके ओरिजन अब हमें पता चल गए वेन और आर्टरी के लेकिन एक नीचे इसकी छोटी सी ब्रांच कोलैटरल भी होगी जिसका डैमेज मैटर नहीं करता और येलो कलर में हम क्या बना लेते हैं नर्व जो कि ऊपर बड़ी है असल में ऊपर वाली हमने बचानी होती है नीचे वाली डैमेज हो भी जाए कोई खर्चरा नहीं होता तो एक नीचे है तो ये समझ आया कि इंटरकोस्टल स्पेस में लोअर दे तो नर्व, नर्व उल्टा है। ये तो है। देखो ब्लू रेड येलो और नीचे येलो रेड ब्लू समझ आई बात तो एक्चुअली हुआ क्या कि अगर आप यहां पे देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसी फिगर में बेटा कि यहाँ पे देखें ये जो इंटरकॉशल नर्व आगे जा रही है ये वाली जो इसने नर्व बनाई है जो वेंट्रल रैम ओ सॉरी इट इज टू बिग जस्ट अ सेकेंड ये देखें ये वाली जो नर्व इसने बनाई है इस नर्व में आगे जाते जाते देखें यहाँ पे हुआ क्या है ये एक नीचे आ गई और ये एक ऊपर चली गई और आर्टरी ने भी क्या किया एक नीचे आ गई और एक ऊपर रह गई इसी तरह वेन भी ऐसी होगी एक आगे ऊपर चली जाएगी एक नीचे जो नीचे वाली ब्रांच है वो कोलैटरल है जिसकी इंपॉर्टेंस को खास नहीं होती बट यू शुड नो कि जो वेंट्रल रेमस होता है वो सबसे पहले इस लेवल पे आके एक ब्रांच दे देता है जिसे हम क्या कह देते हैं कोलैटरल ब्रांच जो कि लोअर इन द स्पेस रन करती है ऐसे आगे थोड़ी तो सी खराब बन गई ठीक है द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द इंटरकोस्टल नर्वस यार व्हाट इज हैपनिंग यहां पे आएगी

जो सप्लाई लेती है सेंसरी वो डॉर्सल रेमस ऑफ द स्पाइनल नर्व से है ठीक हो गई बात समझ आ गई और इसके बाद आखिरी ब्रांचेस कौन सी होंगी इसकी वो होगी मस्कुलर ब्रांचेस जो कि यहाँ पे आपको छोटी छोटी बनी हुई नजर भी आ रही है इफ यू कैन नॉट सी इट आई जस्ट ट्राई टू हाईलाइट इट ये देखें यहाँ पे ये यह एक छोटी सी ब्रांच इधर दिखाई हुई है इसने ये मसल में आ रही है कि ये ब्रांच दिखाई हुई है एक ये ब्रांच दिखाई हुई है कि ये मसल्स को तो मोटर सप्लाई इसने ऑब्वियसली देनी ही देनी है क्योंकि इसका फंक्शन हमने पढ़ा था ना जो कल वाली बात, है, जो कल वाली बात जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आपने पेशेंट के अंदर ट्यूब पास करनी है कोई इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर कोई ट्यूब पास करनी है कोई नीडल डालनी है थोड़ा करनी है तो आइडियली यू शुड रिमेन हेयर

यहाँ पे इस फिगर में एक बड़ी खूबसूरत चीज है जो कि आप लोगों को शायद नजर ना आ रही हो बट बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन इट आई कैन ऑब्वियसली सी इट एंड आई ड्रॉ इट फॉर यू ये देखिए यहाँ पे ये एक मसल नर्व नजर आ रही है आपको ये मैंने ब्लैक में हाईलाइट की है ये येलो वाली कैन यू सी इट दिस वन वॉट इज द लेबल इसका लेबल क्या है

Side of the arm से, यहां से इसे क्या कहते हैं मीडियल बोलिए आर्म मीडियल अगेन यू पीपल मेनी ऑफ आर डेंटिस्ट आई कि ये जो पार्ट ऑफ द आर्म है जो एल्बो रिस से है इसको हम फोर आम कहते हैं

आप एक नर्व कौन सी चल रही है बोलिए नो डाउट द कार्डिक पेन इज ऑन द लेफ्ट साइड बट आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट ऑन द राइट साइड क्योंकि राइट साइड पे उसने दिखाई दी है जब कार्डिक पेन होता है एमआई का तो लेफ्ट साइड पे ऑब्वियसली ऑन द लेफ्ट साइड नॉट ऑन द राइट साइड आई जस्ट ड्रॉन इट ऑन द राइट साइड बिकॉज जस्ट टू एट यू बिकॉज इट इज ड्रॉन ऑन द राइट साइड इन दिस फिगर तो लेफ्ट साइड की